हरियाणा की 14वीं विधानसभा के पहले सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने सत्र के तीसरे दिन आवश्यक विधायी कार्य संपन्न करने के बाद इसकी घोषणा की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ओर से विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव पेश किया गया था और तीसरे दिन सिर्फ आधा घंटा ही विधानसभा चली। इस दौरान दो संशोधन विधेयक भी सरकार ने पास कराई। कांग्रेस के मुख्य सचेतक बीबी बत्रा ने जल्दबाजी में विधेयक पारित करने पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विधेयकों को चर्चा के बाद पास कराया जाना चाहिए था। इस पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मंगलवार रात को संशोधन विधेयक विधायकों के पास भेज दिया गया था, उनको अध्ययन कर अपनी आपत्ति जतानी चाहिए थी। हरियाणा में जीएसटी से जुड़े करदाताओं, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्योगों को माल और सेवा कर प्रणाली में होने वाली प्रमुख असुविधाएं दूर करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अब रिटर्न भरने और कर का भुगतान करने की प्रक्रिया में पेश आने वाली दिक्कत काफी हद तक दूर हो जाएगी। करदाताओं को रिफंड के संवितरण के लिए केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारियों से संपर्क करना अब नहीं पड़ेगा। सरकार ने नई रिटर्न फाइलिंग प्रणाली को लागू करने के लिए हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम 2017 को संशोधित कर दिया है। इसके साथ ही हरियाणा में ठेकेदारों के कार्यरत महिला कर्मचारियों को 6 महीने की प्रसूति अवकाश देने की घोषणा का भी ऐलान कर दिया गया है। वहीं हरियाणा के तोशाम से कांग्रेस विधायक और पूर्व सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाया है। किरण ने कहा कि प्रदेश के किसानों की आंखों में आंसू हैं। किरण ने कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार किसानों की समस्या के लिए कुछ भी नहीं कर रही। पिछली बीजेपी सरकार ऐसे ही गुजर गई और जेजेपी और बीजेपी की नई सरकार से भी कोई खास उम्मीद नहीं है। ये ना किसानों को पानी दे रही और ना ही बिजली। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।